अपने बच्चों के लिए जो फर्स्ट फूड है या फिर जो सेमी सॉलिड फीडिंग है, कब से स्टार्ट करें और स्टार्ट करते वक्त हम कौन से फूड आइटम्स बच्चे को खिला सकते हैं, बच्चे को कितना अमाउंट में पहले खिलाना चाहिए और वो जो फूड हम उसे दे रहे हैं उसका टेक्सचर या गाढ़ापन कैसा होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत सारे पेरेंट्स के मन में रहता है और ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली मुझे पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे हम अपने बच्चों को सेमी सॉलिड फूड स्टार्ट करें, किस एज में हम स्टार्ट करें, जो कि करेक्ट एज क्या है, किस एज पे हमें बच्चों को सेमी सॉलिड फूड स्टार्ट करना चाहिए, किस तरह से हमें धीरे धीरे फूड की क्वांटिटी और क्वालिटी को बढ़ाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी बच्चों के हेल्थ के रिगार्डिंग साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसकी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। सबसे पहली चीज है कि बच्चों को जो सेमी सॉलिड फीडिंग है वो कब स्टार्ट करना चाहिए। सेमी सॉलिड फीडिंग का स्टार्ट करने का जो करेक्ट एज है वो 6 मंथ है। मैं जानता हूँ कि इंडिया में बहुत सारे कल्चरल प्रैक्टिस हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में डिफरेंट एजेस में स्टार्ट किया जाता है, बट जनरली जो WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है उसके द्वारा रिकमेंडेड एज एक्चुअली 6 मंथ है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट कारण है। सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये है कि बच्चे की जो इंटेस्टिन है वो 6 मंथ तक इतनी मैच्योर हो जाती है कि वो सीरियल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पचा पाए। दूसरी चीज होती है कि करीब करीब 6 मंथ के बाद बच्चा बैठना सीखता है, थोड़ी देर बच्चा बैठ सकता है और बच्चे को अपना हेड कंट्रोल अच्छे से आ जाता है। तो क्या होता है, उसको फूड को स्वालो करने में, जो सेमी सॉलिड फूड है उसको स्वालो करने में आसानी होती है। इसके अलावा भी इस टाइम पे क्या होता है, बच्चों की जो मैच्योरिटी है वो स्टेज तक पहुंचती है कि वो जो फूड को देख के खाने के लिए मुँह खोलते हैं, हाथ से ऑब्जेक्ट को उठा के मुँह में डालने की उनकी एबिलिटी आ जाती है। इसके अलावा भी जो 6 मंथ है इस एज में आके मदर का मिल्क, माँ का दूध बच्चों के लिए कैलोरी वाइज, न्यूट्रिशन वाइज अब सफिशिएंट नहीं रहता है। जैसा कि मैंने बहुत सारे पहले वीडियो में बताया है कि 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्टफीडिंग बच्चे के हेल्थ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 6 महीने कंप्लीट होने के बाद मतलब 180 डेज का जब बच्चा हो जाता है उसके बाद जो उसकी ग्रोथ के हिसाब से कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो अब ब्रेस्ट मिल्क से सफिशिएंटली मिल नहीं सकती बच्चे को, तो उसमें हमें सेमी सॉलिड फूड को स्टार्ट करने की जरूरत पड़ती है और इसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं। मतलब कि मिल्क जो है वो बच्चों की कैलोरी का एक मेजर सोर्स रहता है और उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम धीरे धीरे सॉलिड या सेमी सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं ताकि बच्चे को डिफरेंट वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे और उसकी ग्रोथ जो है सही तरीके से होते रहे। ये ग्रोथ के रिगार्डिंग मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि 6 महीने से जो बच्चे हैं पहले 2 साल में उनकी मैक्सिमम ग्रोथ होती है। अगर आप देखो तो पहले 2 साल में बच्चों का 90% ब्रेन ग्रोथ हो जाता है और जो उसकी अडल्ट हाइट है, बच्चे की जो मैक्सिमम हाइट होने वाली है, उसका 50% हाइट वो 2 साल में अटेन कर लेता है। तो एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स बच्चे की जो हाइट होती है उसका डबल अगर देते हो तो यही उसकी फाइनल हाइट जनरली ऐसा देखा जाता है। तो हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि बच्चों की जो न्यूट्रिशन है शुरुआती फेज में, ये बच्चों की हेल्थ की एक तरह से फाउंडेशन है और इस समय पे हमें सही तरीके का न्यूट्रिशन देना बहुत जरूरी है। तो इस पूरे डिस्कशन से ये क्लियर हो गया कि हमें बच्चों को 6 महीने पे, जब बच्चा 6 महीना कंप्लीट कर ले तो हमें उन्हें सेमी सॉलिड स्टार्ट करना चाहिए। अगर किसी कारण की वजह से आप वर्किंग है या फिर और भी किसी सिचुएशन की वजह से आप 6 महीने के पहले बच्चे को सेमी सॉलिड या सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो जरूर आप अपने पीडियाट्रिशियन से एक बार डिस्कस कर लें कि इसको कैसे आप स्टार्ट करें ताकि बच्चे को कोई नुकसान ना हो या कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब बात करेंगे कि बच्चे को जब हम सेमी सॉलिड फूड स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कौन से फूड आइटम्स ले सकते हैं। तो फूड आइटम्स में देखिए, इस एज में 6 to 8 मंथ्स के बीच में जो हम फूड आइटम स्टार्ट कर सकते हैं उसको हम मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है सीरियल्स में जैसे राइस, रागी, ओट्स, दलिया, सूजी जिसको रवा के नाम से जानते हैं, तरह तरह की दाल, इन सब चीजों को हम यूज कर सकते हैं एज अ सीरियल जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स है। इसके अलावा हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की प्यूरी बना सकते हैं। पल्पी फ्रूट्स लाइक मैंगो, पपाया, चीकू, एप्पल, पियर्स, इन सबको हम प्यूरी फॉर्म में बच्चों को दे सकते हैं। और सिमिलरली जो पल्पी वेजिटेबल्स हैं, पम्पकिन, कैरोट, बीटरूट, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, इन सब चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों को प्यूरी बना के खिलाने के लिए।
शुरू में एटलीस्ट 1 to 2 weeks आप ये करो कि सिंगल फूड आइटम बेस्ड उसको फूड दो. मतलब अगर प्लेन राइस की प्यूरी बनाते हो या फिर रागी की प्यूरी बनाते हो या फिर दाल को अच्छे से थिक बना के देते हो या फिर किसी भी फ्रूट्स का जैसे मैंगो की प्यूरी हो गई, बनाना की प्यूरी हो गई, तो पहले बार आप जब फूड दे रहे हो तो एक सिंगल आइटम की प्यूरी बना के दे के देते हो या फिर किसी भी फ्रूट्स का जैसे मैंगो की प्यूरी हो गई, बनाना की प्यूरी हो गई, तो पहले बार आप जब फूड दे रहे हो तो एक सिंगल आइटम की प्यूरी बना के दें, तो उससे ये फायदा होता है क्योंकि बच्चे को पहले उतने सारे टेस्ट का आइडिया नहीं होता, उसको सिर्फ मिल्क की टेस्ट की आदत होती है तो उसको एडजस्ट करना आसान होता है. तो शुरू में 1 to 2 weeks या फिर 1 महीने तक भी आप चाहे तो सिंगल फूड आइटम बेस्ड प्यूरी बना के दें, एक ही फूड आइटम का बनाएं ताकि बच्चे को टेस्ट में आसानी हो जाए और वो इजीली उसको एक्सेप्ट कर पाए. दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कई बार बच्चों को देखा जाता है कि कोई फूड आइटम सॉलिड जब देते हैं तो बच्चा जीभ से उसको बाहर पुश करता है या फिर थूकने का ट्राई करता है, तो इसमें पेरेंट्स को घबराना नहीं है. ये बच्चों की कभी कभी एक नेचुरल रिफ्लेक्स होती है, तो इस रिफ्लेक्स की वजह से वो फूड को थोड़ा बाहर की तरफ ठेलते हैं टंग से, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है. आप उसी फूड आइटम को कुछ दिनों तक, लेट्स से 4 to 7 days तक कंटिन्यू करो और धीरे धीरे बच्चा फिर उस टेस्ट से एडजस्ट हो जाता है. अगर इसके बावजूद भी बच्चा उस टेस्ट से एडजस्ट नहीं होता है तो उसको फिर 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद आप फिर से उस फूड आइटम को रीइंट्रोड्यूस कर सकते हो. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बच्चा उसको जीभ से बाहर निकाल रहा है मतलब वो बच्चा वो चीज़ नहीं खाएगा, उसको टेस्ट को एडजस्ट करने में कभी कभी टाइम लगता है, तो आप बाद में भी उस फूड आइटम को स्टार्ट कर सकते हो. अब बात करेंगे कि जो बच्चा एडजस्ट हो जाता है उसके बाद आप क्या कर सकते हो, दो फूड आइटम्स को मिक्स कर सकते हो. जैसे कि आप राइस को दाल के साथ मिक्स कर सकते हो, राइस को किसी वेजिटेबल के साथ जैसे कैरेट के साथ या फिर स्वीट पोटैटो के साथ या पोटैटो के साथ मैश करके दे सकते हो. सिमिलरली आप रागी में बनाना मिक्स कर सकते हो, मैंगो मिक्स कर सकते हो, तो इस तरह से मिक्स करके फूड को आगे बढ़ाना है. इसके अलावा एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें फूड आइटम्स जो बच्चे को दे रहे हैं उसकी क्वांटिटी बच्चों को कैसे देनी है. तो क्वांटिटी में ऐसा होता है कि क्वांटिटी जब आप शुरू में स्टार्ट कर रहे हो तो 2 to 3 tablespoons फर्स्ट फ्यू वीक्स के लिए काफ़ी रहता है. 1 tablespoon मतलब 15 ml होता है.